जो है छत्तीसगढ़ में सीएफ के 5853 पोस्ट यानी कि 5853 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट जो है निकल कर आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है सीएफ के 5853 पदों पर भर्ती जो है होना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जो है किस तरीके से सीएफ भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, सीएफ भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन जो है करना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, आप लोगों को कंप्लीट जो है ए टू जेड जानकारी, कंप्लीट जो है ए टू जेड नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। योग्यता की अगर हम बात करें सीए भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए जो 5853 पोस्ट है, इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से आप जो आवेदन कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें आयु सीमा के, तो कम से कम मिनिमम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए, वहीं मैक्सिमम उम्र जो है 40 वर्ष इसमें होना चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर हम छूट की बात करें तो सीए भर्ती परीक्षा में कैटेगरी वाइज भी छूट देखने को मिलता है। इसमें जो है एससी और एसटी वर्ग के स्टूडेंट को जो है 5 वर्ष का छूट मिलेगा। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपको जो है 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में सीएफ के 5853 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती और सबसे बड़ी वैकेंसी जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो किस तरीके से हम जो है सीए भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, सीए भर्ती परीक्षा जो है हर महीने में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीए भर्ती परीक्षा में अगर हम सिलेबस की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, पूरे क्राइटेरियाज़ की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में जो होगा सीए भर्ती परीक्षा में, इसमें जो है सबसे पहले तो फिज़िकल होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो फिज़िकल टेस्ट होगा, फिज़िकल के बाद आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा, रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसीजर्स होना है। तो सबसे पहले तो आपको फिज़िकल के ऊपर ही सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, फिज़िकल एग्ज़ाम्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, तभी आप जो है एक अच्छे से, तो ही आप जो है एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला पाएंगे। क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को लगता होगा कि हम रिटर्न एग्ज़ाम्स में जो है प्रारंभिक लिखित भर्ती परीक्षा उसमें अच्छे से नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, बिल्कुल इसमें होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आपका जो है फिज़िकल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, फिज़िकल एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर नहीं आएगा, आप जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स देने के लिए जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप एग्ज़ाम्स में अरे फिज़िकल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं करते हैं तब। तो यदि आपका फिज़िकल में अच्छे से नंबर आ गया, फिज़िकल में यदि आप जितना हो सके स्कोर की जो जितना हो सके नंबर लाइए, यदि फिज़िकल में एक बेहतर अच्छे से नंबर आएगा तो सिलेक्शन होने में और बहुत अच्छी रहेगा। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न एग्ज़ाम्स की, तो रिटर्न एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा आपके गणित से जो है प्रश्न, गणित से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। लगभग हर एक कॉम्पिटिशन्स में यह तय है कि आपके जो है मैथ्स, रीजनिंग, इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स नहीं है जिससे पूछे नहीं जाते, इसलिए आपको जो है गणित के बारे में और रीजनिंग के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में जितना हो सके आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो आप प्रीवियस ईयर में जो क्लास में पढ़ें, चाहे वो 9 में हो, 10 में हो, 11 12th में, वही मैथ्स जो है वही गणित आपके आगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप गणित की तैयारी करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, तो मैथ्स से गणित की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का जो है बुक ले सकते हैं। तो यदि हम डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से यदि आप तैयारी करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको गणित के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इसमें यदि आपको कुछ भी जो नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है गणित के बारे में, फिर भी आप जो है गणित में जो है एक अच्छे स्कोर, एक बहुत ही अच्छा नंबर जो है ला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला मैथ्स में। वही काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाते। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी जो है दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी, ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, ताकि आपके रीजनिंग की प्रिपरेशन जो है और अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी से आप जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स में
बहुत ही अच्छे स्कोर जो है कर सकते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है आसान है अगर आप मेहनत करेंगे तब। तो इन सभी बुक से आप जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपका जो है बहुत अच्छे से मार्क्स जो है आ पाएगा। अगर हम बात करें आपके बाकी और सब्जेक्ट के, तो इसमें हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी में आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में व्याकरण जो है पूछे जाते हैं, हिंदी के व्याकरण भी इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो हिंदी जिसमें आपका स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी संज्ञा समास मुहावरे लोकोक्तियाँ अपठित गद्यांश इन सभी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसे आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं ताकि आपको हिंदी के बारे में जो है और अच्छे से कंप्लीट जो है डिटेल्स और नॉलेज मिल पाए और आप जो है हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। तो इन सभी से तैयारी यदि आपका अच्छे से होगा, अच्छे से नंबर ला पाएंगे, तो डेफिनेटली आप जो है छत्तीसगढ़ में CA भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और CA के जो है 5,853 पदों पर जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इसमें देखने को मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नए नए अपडेट्स, नए नए भर्ती, नए नए विज्ञापन आप सभी स्टूडेंट के लिए जारी होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, सक्सेस भी उतना ही मिल पाएगा, कामयाबी भी उतना ही मिल पाएगा। तो कुछ देर की खामोशी है, कानों में फिर शोर होगा, तुम्हारा तो वक्त है मेरा तो दौर होगा। और काम मेहनत भी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दे। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए CA के 5,853 पोस्ट जो है होने वाला, जो कि काफ़ी अच्छी भर्ती है, बहुत ही बड़ी भर्ती है, बिगेस्ट अपडेट्स हैं, बिगेस्ट वैकेंसीज हैं। तो इन सभी वैकेंसीज़ की तैयारी जो है आप जितना हो सके अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन आप जो है कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, वापस से रिटर्न में उतना ही रिजल्ट मिल पाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियोज़ को जितना हो सके अपने फैमिली में दोस्तों में शेयर कीजिए। तो एक के बाद एक जो है भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नए नए अपडेट जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आने वाला है। तो आने वाले समय में जितने भी भर्तियाँ होंगी, जितने भी वैकेंसीज होंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी से हम जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे, देन आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है आसान है अगर आप मेहनत कर से मेहनत करेंगे तब। अगर मेहनत नहीं करोगे तो हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है बहुत मुश्किल लगने लगता है। बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। तो सक्सेस को पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना और एक दिन आपके सभी ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे।